मैं हूँ कांतागन। आज हम बनाएंगे ब्रेड वाली रसमलाई। तो ब्रेड वाली रसमलाई बनाने के लिए हमें सामान चाहिए। ये हमारा सामान, ये हमने 3 ब्रेड लिए हैं। ये इसमें डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट करके रखे हुए हैं, 1 कटोरी चीनी और हल्दी पाउडर और ये दूध। तो सबसे पहले हम गैस चलाएंगे। ये हमने कढ़ाई रखी, इनमें हम ये 1 लोटा जो दूध है इसमें हम डाल देंगे। अब हम इसमें उबाल लगाएंगे। उबाल लगाने तक हम इसमें ये 1 कटोरी जो चीनी ली हुई है इसमें इसमें डाल देंगे और इसमें हम 1 पिंच कलर के लिए हल्दी डाल देंगे। अगर हल्दी नहीं डालना है तो आप केसर भी डाल सकते हैं। और इसमें हम उबाल लगाएंगे। तो इधर हम पहले ये ब्रेड कट कर लेते हैं। इसकी हम पकौड़ियाँ बनाते हैं इस तरह से। 1 ब्रेड लेंगे तो हम कोई भी बोतल का ढक्कन या किसी से भी इनको किसी भी शेप में हम कट कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह हम ब्रेड को कट कर लेंगे। ये देखें, इधर दूध में उबाल आ रहा है। हम इसको बीच बीच में चलाते जाएंगे। ताकि चीनी गल जाए, हल्दी से कलर भी कितना अच्छा आया है। इसी तरह हम ये सारे ब्रेड कट कर लेंगे। ये देखिए, अब हमने इसको ब्रेड को इस तरह से कट कर लिया है। ये देखिए, और इसका जो साइड का वो ब्रेड का वो था किनारे, वो हमने साइड में निकाल के रख लिए हैं। और इधर हमारे दूध में भी उबाल आ गया है। अब हम इसमें गैस सिम कर देंगे और ये जो ब्रेड के किनारे थे मिक्सी के जार में इनको डाल के इस तरह से और एकदम क्रश कर लेते हैं। ये हमने ब्रेड के चूरा हो गया और इस ब्रेड को उसमें हम ये देखिए, इधर हमारे दूध में भी उबाल आ गया है और हम इस चूरे को इसमें डाल देंगे दूध में और इसको थोड़ी देर गैस पे हम पकाएंगे। इसको चलाते रहेंगे, गैस तेज़ कर लेंगे और इसको चलाते जाएंगे। थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे। अब हमारा ये दूध गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और अब हम इसमें इसके टुकड़े डाल देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े थे इस तरह से, और थोड़ा इलायची पाउडर भी डाल देंगे। ये देखिए, अब हम इसको सर्विंग बाउल में डालते हैं। ये हमारे सबसे पहले हम इनमें डालेंगे।
ये हमारी पकौड़ियाँ देखिए इसमें फूलने लगी हैं। अब हम इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। और इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे। ये हमारी रसमलाई बनके तैयार। आप चाहें तो इसे गर्मा-गर्म खाएं या फ्रीज में रख दें आधा घंटा बाद ठंडा करके खाएं। अगर मेरी रसमलाई की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।